बरार थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बमनपुरा से खबर है, जहां पर स्थित नहर से कृषिकार हेतु निकलने वाले शासकीय नहर पर मिट्टी डालकर कब्जा करने के संबंध में ग्रामीणों ने थाने सहित तहसील में आवेदन दिया। जानकारी के अनुसार ग्राम पचीपुरा से बमनपुरा होकर जाने वाली नहर पर पचीपुरा के शुरुआती क्षेत्र में गाँव के ही दबंग व्यक्ति द्वारा मिट्टी डालकर नहर को रोक दिया गया, जिससे बमनपुरा ग्राम में नहर का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को कृषि कार्य करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों की फसल के साथ कृषकों को भारी नुकसान हो रहा है, जिसके संबंध में ग्रामीणों ने बैरार थाने और तहसील में आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। बैरार से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। देवेंद्र सिंह रावत, क्या समस्या आई है? नहर में पानी नहीं आया अभी तक। कब से नहीं आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आया है बमनपुरा के लिए। पानी वगैरह हो गई? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अभी। ना गेहूँ उराई हुई है और ना सरसों में पानी लगाया। अभी सरसों खड़ी है और ना उसकी सफाई भी नहीं हुई है। हाँ, ऊपर थोड़ी बहुत निकली थी तो रोक दी गई है किसी लोग ने, पता नहीं कौन ने रोका है उसको। ये क्या नाम है आपका? रवि रावत। अच्छा, कहाँ से हो आप? बवनपुरा से। अच्छा, तो क्यों आए हो आप जी आवेदन देने? नहर की परेशानी है, 11 नवंबर हो गई, अब किसान कब गेहूँ करेंगे? अभी बिल्कुल नहर की ना सफाई हुई, ना नहर में पानी आया। अच्छा, बिल्कुल। क्या कारण है नहर में जो पानी नहीं आया? कारण नहीं है, पचीपुरा के बीच में दबंग लोग उसको रोक लेते हैं। अच्छा, नहर को। तो आपने आवेदन दिया इससे पहले? पहले नहीं दिया, उनके पास गए तो आप वे कह रहे कि आएंगी आएगी, अभी तक नहर नहीं आई बिल्कुल। और तहसीलदार को आवेदन नहीं दिया? अभी नहीं दिया, नहीं दिया। दादा, जो आप तहसील पे आए हो, क्या समस्या है? समस्या जी है सर, ग्राम बमनपुरा में नहर गई है तो वहाँ में पचीपुरा के नीचे ही नहर में नहर रोकी गई है, किसी व्यक्ति ने रोक रही है वो, और नदी में पानी छोड़ दिया है, पानी नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग आए आपके पास। आपकी हैरा ज्योति हो गई, बोनी वगैरह? कुछ नहीं हुआ यार, पानी नहीं पहुँचा, ज्योति जुटा खेत पर है, तैयारी नहीं, पानी नहीं जाए रंगे भाई, पानी नहीं है बिल्कुल। इसकी और कहीं शिकायत वगैरह की है? अब शिकायत तो सोच रहे दो चार गए, सुनवाई नहीं गई, अब पूरी जनता इकट्ठी आई नहीं। मंत्री जी ने क्या नहीं थे आपके क्षेत्रीय मंत्री? 3 दिन मंत्री हैं। मंत्री के यहाँ साहब भोपाल गए साहब, भोपाल गए, नहीं मंत्री नहीं मिले, नहीं आ रहे। फोन से बात है भाई, तो मैंने कहा ज्ञापन लगा दो तुम, नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, मिले नहीं आपको मंत्री? नहीं मिले, नहीं गए। जो है ग्रामीणों ने उपस्थित होकर के ज्ञापन दिया है, उसमें बताया है कि जो है पशीपुरा में जो नहर थी उसका पानी जो है डाइवर्ट करके नदी की ओर डाल दिया गया है, जिससे कि उनको पानी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। तो ज्ञापन को जो है व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवाया, व्हाट्सएप को भिजवाया जाएगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी उसकी जाएगी। सर, एक और है, कभी कभी ज्ञापन नगर के क्षेत्र के लोग जो देने आते हैं, तहसीलदार साहब तो मिलते नहीं, आर आई साहब ही लेते हैं? तहसीलदार साहब अभी जो है एक माह की ट्रेनिंग में है, वो 16-17 तारीख को आ जाएंगे, तो रेगुलर वो भी लेंगे। एक महीने से नहीं आते, ट्रेनिंग था उनका भोपाल में, तो इसलिए वहाँ पर अभी प्रभारी तहसीलदार हैं, उनके पास 2 तहसीलों का काम है, तो वो कभी इधर बैठती हैं और कभी वो पौरी में, तो उनको थोड़ा समस्या है, तो 2-4 दिन शॉर्ट आउट हो जाएगा।